सब एक ऊपर कमरे में लेकर आ गया। इतना हमारा कैनल नहीं बनता, इतने यहीं पे शिफ्ट कर दिए। जोरा के साथ देखो क्या भयंकर रिएक्शन आ रहा। एक हो रहा है उसके पीछे से चिंटू बजा लिया। सिम्बा की रनिंग करवाता हूँ थोड़ी बहुत। वो भाई साहब बाइक से आगे निकल कर भाग गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डॉग कैनल। और गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग देखो कहां से कर रहा, कैनल के अंदर से। यहां पर हमारे मिस्त्री साहब लग रहे। और गाइस ऊपर दो मजदूर लग रहे, एक तो वो रहा भगत जी मजदूर, एक वो रहा वो भाग गया। बट भाई रोकू यहां से हटाता ही हूं, क्या पता इसके सिर वीर में दर्द है यार, फेरियो मेरे अपना सिर पिटवावे। चल भाई रोकू, चल बाहर चला जा। और गाइस इन दोनों का कैनल बनाने में कम योगदान है, थोड़ा फोड़ी करने में ज्यादा योगदान है। एक तो बिल्कुल अभी अभी फोड़ दी लाइव, मान जा आराम तक गिर ले। तो गाइस अभी अपने मजदूर की छुट्टी कर दी, सस्ता मजदूर, सस्ता मजदूर रखने के यही तो साइड इफेक्ट है। तो कैसा भाई महंगा सस्ता, फिर ही गया तू तो। और गाइस ये बैठे कोको वाले पप्पी सारे के सारे अंदर से चिल्लाने लग रहे, नु कह रहे बाहर निकाल दो, बार बार जिद कर रहे, नु कह रहे कैनल के अंदर लेकर चलो, बस एक बार वहां काम पूरा हो जा वहीं रहने लग गयो। ठीक है रहा नहीं जाता बाहर, ये घूम रही देसी गैंग, ये रहा हमारा चिंटू, मोरी जूली, जूली के साथ बढ़िया दोस्ती होगी इसकी। और गाइस ये रहे इनके नन्ने मुन्ने कोको वाले पप्पी सारे के सारे ऊपर शिफ्ट कर दे, वरना भाई नीचे ज्यादा चिल्ला रहे थे वे। सब एक ऊपर कमरे में लेकर आ गया, बाहर ना निकालने का रीजन ये रहा, चलती फिरती जोरा सारों को दो देगी। जोरा इन्हें केज के अंदर भी पकड़ने को रही, रैपट से मार रही इनके। बट भाई है कि यहाँ पे चिल्लाने के नहीं, यहाँ पे सारे मुख डॉग्स दिख के जाएंगे। इतना हमारा कैनल नहीं बनता, इतने यहीं पे शिफ्ट कर दिए। जोरा का भी जी लगा रहेगा, इनका भी जी लगा रहेगा, सारे के सारे एक साथ खेल लेंगे। बट भाई थोड़ा बार बार से केज से बाहर निकालने पर खतरा है, छोटे छोटे हो गए ना, एक बार के में नाड़ वाड़ तोड़ देगी, खत्म। सोच रहा है ना सभी को निलाता हूँ पप्पी को, हमारी जोरा भी गंदी हो रही, कोको वाले पप्पी अभी तक नहीं। तो भाई साहब एक बार यहाँ को साफ सफाई करते हैं, सारा का सारा मामला इसके सिर पर रख के इसमें को जाना, इसमें को अच्छा तो। कैमरामैन भगत के साथ नहीं, कैमरामैन तो फिलहाल मैं ही हूँ। तो गाइस अभी अपने सब्सक्राइबर आते मिलने के लिए, सामने से हमारी कोको भी आ गई। बट भाई हमारी कोको तो सीधी यहाँ पाया कर रहा है, इसकी बोल रखी ना। तो गाइस हो गया फाइनली सारा काम खत्म, हो रहे कि ना देखो सारे के सारे कैसे सो रहे घोड़े बेच के। और गाइस मैं सोच रहा था ना निला दूं, बट भाई सारे के सारे मजे से सो रहे, कल को निलाऊंगा, कल को अपनी जोरा को भी और कोको वाले पप्पी को सभी को निला दूंगा। तो गाइस अभी ना दोगा ऑल सेट। और गाइस सारे के सारे डॉग्स इस वाली छत पर जा रहे, पता नहीं क्यों जा रहे, सामने बंदर बैठा। और गाइस बिल्कुल मजे से बैठ गए, इन्हें चिडौन लग रहा वो बैठा। सिम्बा तो बिल्कुल ही पेड़ के ऊपर चढ़ने को रहा, बार बार जगह देख रहा कैसे उसके पास जाऊं, एक बार हाथ में आ जाए तो। बट भाई बंदर को कहां कुछ फर्क पड़ रहा, बिल्कुल मजे से बैठा, पिछवाड़ा दिखा रहा इन्हें। रोक्सी होती इसके पिछवाड़े पे बुढ़का भर लेती। गांव में सबसे बड़ी दिक्कत बंदरों की हो गया, कपड़े वपड़े लेकर भाग जाए। तो गाइस अभी मैं धीरे धीरे बंदर के ज्यादा ही पास आ गया, भाग गया। ओए ओए ओ भाई, ओए ओ सिम्बा भाई आइए, वो दांत दिखा रहा है तू जल्दी आ। आ गया भाई सिम्बा, आ गया रोक भी आ गया, तुरंत आ गया रोक, उसके दांत दिखाते ही साले को बम से उड़ा दूंगा। मेरे पास रोक कोको सिम्बा है, इसीलिए इनके इतने ज्यादा पास जा लिया, वरना भाई अटैक कर दें। देख लो भाई कैसे कर रहा, अटैक करने को रहा बिल्कुल। रोको, जान बचा ली मेरी, ठीक है। ओए कोको नीचे ना कूद जाइए, छपकली सी बार बार जंप लगा रही, या नीचे ना लुढ़क जा। और एक ही ना देखो कितने मजे से सोन लग रहे, बंदर आ रहे बंदर भगा लो। बट भाई अब ये बंदर भगाने के लायक नहीं हुए, बंदर ही ना उठाकर भाग जाएगा। छोटे पप्पी इसके ऊपर खतरा रहा बंदरों का, बंदर चिड़ा तो है कुत्तों से, पिल्लों को उठाकर भाग जाए। अगर कोई डॉग बंदर के बच्चे को पकड़ ले फिर तो भाई महायुद्ध चिड़ जा। पता नहीं भाई कौन सा गांव था, उस गांव के बंदरों ने सारे डॉग मार दिए थे इस बात के ऊपर, खत्म। जिसका डर था वो हो गया, मेरी शर्ट लेकर भाग गया, इस साइड को भाग गया। और गाइस बिल्कुल एक ही मिनट पहले सारे सारे डॉग्स नीचे गए थे, इतने में बंदर शर्ट लेकर भाग गया। शुक्र है हमारी जोरा केज के अंदर थी, वरना जोरा को उठाकर भाग जाता। देख लो डॉग्स की दो मिनट नजर हटी, दुर्घटना घटी, बंदर शर्ट लेकर भाग गया, गया। सारे के सारे पप्पी ने लड़ाई करने को भी अपने पैर बना रखे, ये दोनों दोनों रेड वाले एक साथ लड़े, ब्लैक किंग रेड किंग के साथ लड़े, ये दोनों दोनों एक साथ लड़े, लड़े कह लो या फिर खेल लो। गाइस अभी नीचे हुआ एग्रेसिव पिटबुल वाला पप्पी आ रहा, जो उस दिन सिम्बा के ऊपर एग्रेशन कर रहा था, चल के दिखाता हूं। डॉग ने इस पप्पी के मालिक की बैंड बजा दी, बार बार मार रहा, मिलवा दे एक बार नीचे, छोड़ेगा मिलवा देना, मिलवा दे ना कुछ निकलेगा, मेरी गारंटी ना सिम्बा भी कुछ नहीं करेगा, छोड़ दे। वैसे भाई ये पप्पी तो पूरा एग्रेशन करे, बट भाई मेरा कोई सा भी डॉग पप्पी के ऊपर अटैक नहीं करने का, छोड़ दे सर, छोड़ दे। ओ भाई ओ ओ रोक के साथ देखते हैं क्या रिएक्शन होगा, बिल्कुल अटैक करने वाला हो भाई, रहने दे को दम उठा ले। रोक तो ऐसा कुछ कहने का नहीं, बट भाई वो गुड़ का भर लगा रोक के। अबे साले भाई साहब इस पिटबुल के पप्पी को लेकर ऊपर आके जोरा के सामने, जोरा के साथ देखो क्या भयंकर रिएक्शन आ रहा, जोरा नहीं भाई बिल्कुल भी पीछे हटती। ओहे 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 रुक जा रुक जा। तो गाइस अभी जोरा को बैठ के ऊपर बैठा लिया, वरना भाई ज्यादा एग्रेशन हो गया था, जोरा तो अभी ऊपर से पैर पीट रही, नु कह रही ओए ओए उसके पास ना जाइयो, साले को बम से उड़ा दूंगा। देखना भाई सिद्धि रांझे के पास जा ली, इसका नाम है सामने वाले का रांझा। अभी सोच रहे सिम्मी की तरह ने भी खेत में लेके चलते हैं, क्या पता खेत में दोस्ती हो जा। नाम देखो कितना भयंकर है इसका, रांझा, कुछ और नाम नहीं पाया गया तुम्हें, इसका बाप बदमाश था, वो बदमाश ओए 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 ओए
देखना भाई कितनी तेज है जंगले में को देख रही है। यहाँ के गेट बंद कर दिए थे ना, यहाँ को आकर देखने लगी। बहुत तेज हो रहा है। दोनों को खेत में ले जाने का प्लान कैंसिल हो गया। इनकी 100% फाइट ही होगी खेत में भी। ऊपर जोर का एग्रेशन हो रहा था, नीचे सिम्बा का एग्रेशन हो रहा। सामने एक काला सा डॉग था, उसके साथ चिंटू की फाइट होगी। ओए चिंटू रुक जा। पीछे से सिम्बा भी पूरे गुस्से में आ गया। मुझे लगा भाई पता नहीं क्या हो गया, जोरा को केज के अंदर बंद करके नीचे आए। सिम्बा ज्यादा जोर मार रहा था, ऐसा खेत में लेकर आ गया। पीछे से हमारा चिंटू भी आ गया। दोनों को दोनों ज्यादा बदमाशी कर रहे थे घर पे। और गाइस कल जब सिम्बा को लेकर आया था, मेरे पीछे पीछे सारे के सारे आ गए थे। जूली भी, चिंटू भी, रोक्सी भी। आज बस चिंटू है मेरे साथ। जूली कमरे के अंदर बंद कर रखी थी, वरना जूली भी आ जाती चिंटू के साथ। चिंटू का लौटने का मूड बना था, एकदम से खड़ा होकर चल दिया। तो ऐसा भी सीन पड़ गया, सिम्बा डॉग्स के पीछे भाग गया बेचारे भाई। सामने दो तीन डॉग्स। ओए सिम्बा के बच्चे यहाँ आ जा, जल्दी आ यहाँ, वापिस आ। सामने भाई दो डॉग थे, उनके पीछे भाग गया सिम्बा। भाग गया कब तो वापिस आ लिया। अरे ओए ओए भाई ओए ओए ओ तेरी। ओए सिम्बा नहीं, सिम्बा नो, सिम्बा नहीं, रुक जा। एकदम से भाई काफी सारे डॉग्स आ गए। वो भाग गया चिंटू उनके पीछे। चिंटू रुक जा। चिंटू तो भाग गया उनके पीछे। सिम्बा तो ना जाइए एक में आ लिया। चिंटू भी आ लिया बाहर निकल। नहीं चिंटू नहीं तो कोई और है। ओए नहीं सिम्बा रुक जा। एक और आ लिया उसके पीछे से। चिंटू वो जा लिया। चिंटू लो भाई बच गई। चिंटू चिंटू और सिम्बा। सिम्बा तो खैर फिर भी मेन रोड पे ही है, बट भाई चिंटू तो एक के अंदर ज्यादा कभी धोरा है ना। सारे के सारे भाग गए एकदम से। ओए एक और जा लिया। एक वो था ब्लैक सा डॉग था, उसके पीछे भाग गया चिंटू। और गाइस चिंटू बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा, सभी के पीछे भाग गया। जो सभी डॉग दिखे वो तो भाई कोई सा इसका हाथ नहीं लग रहा। और गाइस वो तो शुक्र आज रोक नहीं आया मेरे साथ, वरना रोक और चिंटू मिल गया सभी को पता पूरा आतंक उतार दे। खत्म। कम से कम 10-15 डॉग थे। पहले तो दो तीन डॉग भाग गए साइड को, सिम्बा उनके पीछे भाग गया। फिर भाई पीछे आएगा फिर सारे डॉग्स। एकदम से हमारे चिंटू की एंट्री होगी और चिंटू ने भगा ही दिए सारे। अब भाई एक बार इन्हें चेक करता हूँ। सिम्बा की तो फाइट हुई नहीं, बट भाई हमारे चिंटू की पक्का फाइट हुई होगी। अब बीक के अंदर ही घुस रहा वो तो भाई। शुक्र है मैं रोक को नहीं लेकर आता, वरना आज बहुत ही कड़ा सीन बन जाता। आ लिया हमारा चिंटू भी। भाई चिंटू के बच्चे यहाँ को आ तू। चिंटू को पिटना मंजूर है, बट भाई पीछे नहीं हटता। पूरे तो गाँव में घूमे, कोई सी भी ऐसी गली नहीं जिसमें हमारा चिंटू न गया हो। फाइट तो पता नहीं कितनी करी होगी इसने आज तक। दांत बस इसका एक हल्का सा कान के पीछे लग रहा, और तो कहीं कुछ नहीं है। मैंने चेक कर लिया अच्छे से। तो भाई सभी हल्का हल्का अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। सिम्बा की रनिंग करवाता हूँ थोड़ी बहुत। वो भाई साहब बाइक से आगे निकल के भाग गया। बस तो इसके ऊपर बाइक ना चढ़ा दिए। देखना भाई कैसा जा रहा आगे भागा। चल सिम्बा बहुत अच्छे, चल 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 आ जा बेटे पीछे रह गया, जल्दी आ। और गाइस सिम्बा के लंबे लंबे पैर है ना, इसलिए बहुत ही स्पीड से भाग रहा। चल सिम्बा बहुत अच्छे। ओ भाई साहब चिंटू को पीछे छोड़ दिया। चिंटू वैसे भाई पूरी कोशिश कर रहा है की। तो गाइस अभी बहुत होगी सिम्बा की रनिंग। वैसे तो भाई ज्यादा करवाई नहीं, थोड़ी बहुत ही करवाई थी। और एक हिस्सा देखो कोको को अपना कैसा हुलिया बना रखा। जब से हम खेत में जा रहे थे ग्रिप ग्रिप लगा रही थी। और गाइस ये घूम रही हमारी चिंकी मिंकी। दोनों में से किसी की भी पहचान करना मुश्किल है, बिल्कुल सेम सेम है। एक का नाम है चिंकी, एक का नाम है मिंकी। किसी को कह दू चिंकी मिंकी, बट भाई बड़ी होगा बिल्कुल सेम टू सेम चिंटू के जैसी बनेगी। कलर बिल्कुल चिंटू वाला हो गया ना। चलो भाई बढ़िया, हमारी देसी फैमिली बड़ी होगी, वरना हमारा चिंटू अकेला था। तो गाइस अभी ना ऊपर लेके चलता हूँ, खाना वाना खिलाता हूँ सभी को। भी ऊपर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कोको ने सरिया में ग्रिप लगा रखी थी काफी देर से। मान जा कोको की बच्ची मान जा, सारा फेस वेस सब छुलवा लिया इसने। देखना भाई इसका दिमाग कहाँ चला, इसे बोल नहीं मिली। इसने सरिया में ग्रिप लगा ली, कौन वोन सब निकल गए ऊपर से भी जीभ के अंदर से भी। तो गाइस अभी सारे सारे पप्पी से बाहर निकाल लेते। और गाइस जोरा को देखो, एक को तो दाब का बैठ गई रेड किंग जालिया सब बचा उत्तरी रेड किंग का फेस पकड़ लिया। बट भाई किसी के ऊपर अटैक वटैक कुछ नहीं करती, मजाक मस्ती कर रही। और गाइस आज के वो लोग एंडिंग इन सभी के साथ ही करता हूँ। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना।